सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा को खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हम पहुंचे हैं अल्मोड़ा के हिमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में और यहाँ पे को क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर आई है और यहाँ पे को एस्ट्रो टर्फ लगाई गई। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के CDO सर अंशु सर। सर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 लोकल में। किस तरह से देखते हैं यहाँ पे को जो क्रिकेट का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है और आपके आने से यहाँ एस्ट्रो टर्फ लगाई गई उसके बारे में? देखिए, पहले हम लोग जब यहाँ आए थे हमने सीमेंटेड पिच बनाई थी जो कोटा स्टोन को हमने ग्राइंड करके लगाई थी। बाद में देखा गया था बिकॉज हमारे पास अभी पिच नहीं है यहाँ, तो जब ये लोग मैचेस खेलने जाते हैं तो जो टर्फ पे खेलते हैं तो उनको थोड़े इश्यूज आते हैं। सो वी डिसाइडेड कि हम एस्ट्रो टर्फ लगाएंगे, क्योंकि एस्ट्रो टर्फ से दो चीज़ें होती हैं, एक तो बॉल ग्रिप भी करती है, दूसरा बाउंस भी ज़्यादा होता है, एंड दिस इज़ मोर रेप्लीकेटिंग व्हाट द टर्फ कंडीशन आएगी। तो अभी इस बार हमारे जिले में दो लड़के यहाँ से सेलेक्ट भी हुए हैं, एक मोहन है और दूसरा मौलिक, तो ये लोग के लिए भी अच्छी खबर है, इनके लिए भी प्रैक्टिस के लिए अच्छा एक ये अपॉर्चुनिटी है। एंड मैं होप करता हूँ कि इसके आने के बाद हमारी परफॉर्मेंसेस टीम की सिलेक्शन में भी और जब ये लोग मैचेस खेलते हैं तो बेटर होगी। सर अभी और कई खिलाड़ी भी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, ये एस्ट्रो टर्फ लगने से जो बाहर की ओर जाते थे युवा वर्ग अभी यहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हैं उसके बारे में कैसे देखते हैं? डेफिनेटली आप देखिए, जैसे यूपी में भी जो खिलाड़ी रहते हैं वो पूरे टाइम, जैसे अगर IPL भी खेलते हैं तो दिल्ली में नहीं रहते हैं वो या बॉम्बे में नहीं रहते हैं, वो अपने होम ग्राउंड जाते हैं, होम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इनिशियली जब इनके पास फंड्स नहीं होते तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम टू लिव अवे फ्रॉम देयर होम। तो उनके लिए जिनके पास थोड़ा आर्थिक स्थिति नहीं है तो उनको एक हम लोग एक एनवायरनमेंट दे पाएंगे जहाँ वो एक प्रैक्टिस कर सके ट्रू सरफेस पे, जो उनको आगे मैचेस में हेल्प करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ यहाँ के कोच भी मौजूद हैं। सर आप किससे सकते हैं कोच के नाते यहाँ पे को कई सुविधाएं बढ़ी हैं क्रिकेट के लिहाज से, उसके बारे में आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा CDO सर, जो कि अंशुल सर है हमारे बीच, और हमारे DSO बंग्याल सर, उनकी अथक प्रयासों से एक और हमारे बीच में एस्ट्रो टर्फ लगी। इससे पहले यहाँ पे जो विकेट बनाई गई थी सीमेंटेड विकेट थी, लेकिन एस्ट्रो टर्फ बनने के बाद यहाँ पर एक अच्छा माहौल बन गया। जो बच्चे बाहर जाया करते थे खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने जा रहे थे, अब उनको होम अपने ही क्षेत्र में इतना बढ़िया एस्ट्रो टर्फ मिल गया है, तो अभी बच्चे भी कम जा रहे बाहर और अधिक से अधिक, अभी आप देखिए रात्रि का समय 8 बजने वाले हैं, 9:30 बजे तक बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है सर, खिलाड़ी होने के नाते आप यहाँ भी कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बारे में कैसे देखते हैं एस्ट्रो टर्फ में? अब आप लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, पहले सीमेंट पिच में खेलते थे, उसमें कैसे अंतर देखते हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अंशुल सर जी का थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो नए बच्चों को आगे प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम जब हम शुरुआत जब हम बच्चे थे हम प्रैक्टिस करते थे तो हमें मिट्टी में करना पड़ता था, और जब हम बाहर खेलने जाते थे तो हमें वहाँ पे अलग सी पिच मिलती थी तो हम वहाँ पे खेल नहीं पाते, तो इसलिए मैं अंशुल सर का थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं आपने यहाँ पे एस्ट्रो टर्फ दी है हमें, और नए बच्चों को यहाँ सीखने के लिए बहुत बहुत अच्छा वो एक वातावरण मिलेगा, जिससे मैं थैंक्स करना चाहता हूँ क्रीड़ा अधिकारी जी का और अंशुल सर का। ठीक है, युवा खिलाड़ी होने के नाते आप कैसे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा ये बताइए, और साथ ही एस्ट्रो टर्फ में जो खेलने का मिलता है उसके बारे में? पहले से जैसे हम प्रैक्टिस हमें अगर करनी होती थी तो हम यहाँ से बाहर की ओर देखते थे, जैसे हल्द्वानी हो गया या फिर उससे बाहर, अभी यहाँ इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिला है, एस्ट्रो लगी है, प्रॉपर नेट्स बन गया, हमें नाइट में भी कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। मतलब ओवरऑल देखें तो हमें बाहर ना जाके हमें यहाँ वो चीज़ें मिल रही है जो हम बाहर जाके लेने के लिए फ़ीस देते थे, तो वो हमें यहाँ ईजिली मिल रही है, तो उसी चीज़ के लिए मैं CDO सर और हमारे DSO सर और हमारे कोच राणा दा का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद यहाँ CDO सर थे, और साथ ही यहाँ पे को जो युवा खिलाड़ी जो यहाँ पे को प्रैक्टिस करने के लिए पहुँचे हैं उनका यही कहना है कि एस्ट्रो टर्फ लगने से यहाँ के जो युवा खिलाड़ी हैं उन्हें आने वाले समय में काफ़ी बेनिफिट होगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।